हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 16 तारीख और आज से मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट डेली रूटीन व्लॉग है। तो अभी 7 बज चुके हैं और मैं 7 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ आज आपसे अपना। तो कैसा मेरा रूटीन रहता है मॉर्निंग का, भागी भागी सी, दौड़ी दौड़ी सी मैं रहती हूँ क्योंकि टिफ़िन भी तैयार करना होता है, हस्बैंड को कॉलेज भी जाना होता है। हालाँकि अथक की छुट्टियाँ हैं बट फिर भी भागा दौड़ इतनी ज़्यादा रहती है। तो चलिए आपको पहले मैं अपना मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ घर के सामने से कैसा रहता है। हालाँकि अभी भी धूप आ चुकी है, 7 बजे हैं फिर भी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो धूप आ ही जाती है थोड़ी सी। तो चलिए देखते हैं मॉर्निंग वाला व्यू हमारे घर के सामने का। तो फ्रेंड्स देखिए, 7 बज चुके हैं और मेरे घर के जस्ट सामने गार्डन है। तो मॉर्निंग में ऐसा व्यू रहता है मेरे घर के जस्ट सामने, बहुत ही ग्रीनरी, हरियाली है लगता है सुबह सुबह यहाँ पर। तो ये लीजिए, मेरी चाय भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, सुबह की पहली चाय यहाँ तैयार हो चुकी है। साथ ही मैंने यहाँ पर टिफ़िन भी तैयार कर दिया है बनाना। तो टिंडे की भरमा सब्ज़ी आज मैंने बनाई है हस्बैंड के लिए, साथ ही ताज़ा दूध भी आ चुका है। तो ये दूध भी मेरा गर्म हो रहा है यहाँ पर, फटाफट से काम निपटा रही मैं यहाँ पर। आटा भी मैं लगा लिया है यहाँ पर मैंने। तो ये देखिए, मैं सॉफ्ट सा, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट आटा लगाती हूँ। ऐसे इस तरीके के आटे से काफ़ी अच्छी फूली फूली रोटियाँ बनती हैं। तो ये फटाफट से मैं रोटियाँ भी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो ये देखिए, रोटियाँ भी तैयार हो जाएंगी, साथ ही मेरी सब्ज़ी भी पक रही है। तो आज मैं टिफ़िन में हस्बैंड को रोटी, सब्ज़ी, टिंडे की भरमा और दही दूँगी। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया आज क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए थे उठने में। तो ये टिफ़िन भी रेडी है, पैक हो रहा है, मेरे हस्बैंड का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है यहाँ पर। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी टेस्टी बनी है, मसालेदार। तो ये देखिए, दही, टिंडे की भरमा सब्ज़ी और रोटियाँ मैंने पैक कर दी हैं हस्बैंड के लिए और हस्बैंड रेडी हैं नीचे जाने के लिए, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। उनकी एक्चुअली गाड़ी आती है कॉलेज जाने के लिए, तो 3 दिन वो लेके जाते हैं, 3 दिन उनके फ्रेंड लेके आते हैं गाड़ी। तो ये मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं अब यूनिवर्सिटी अपनी, तो हस्बैंड अब जा चुके हैं यूनिवर्सिटी। तो अब मैं इनके जाने के बाद बाकी काम कर लूँगी। तो अथक का नाश्ता भी यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया है। आज मैं अथक को सादा नमक का पराठा खिलाऊँगी सॉस के साथ। तो अथक यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। अथक थोड़ा सा शर्मा रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग मम्मी आप मुझे वीडियो बना रही हो मेरा, मैं रेडी भी नहीं हूँ। तो वो नाश्ता करते करते थोड़ा सा शर्मा रहे थे। तो ये नाश्ता भी अथक का हो चुका है। नाश्ता करवाने के बाद मैं अब साफ़ सफ़ाई कर लूँगी घर की थोड़ी सी। तो ये लीजिए, मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी फटाफट से क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग ही कर लेती हूँ। 8:30 के बाद जितने भी काम होते हैं हस्बैंड के जाने के बाद, साफ़ सफाई, कपड़े समेटना, तह लगाना कपड़ों की, ये सारे काम मैं मॉर्निंग में निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो ये सफाई भी मेरी हो गई है लगभग, क्योंकि गंदगी हो जा रही है, अभी आंधी भी आ रही है हमारी सिटी में, काफ़ी गर्मियां हैं तो थोड़ी बहुत धूल भरी हवाएं चलती हैं बीकानेर में। और ये मैं कपड़े भी समेट रही हूँ फटाफट से, अपने कपड़े तह कर रही हूँ, नहीं तो बिखरा बिखरा सा रूम होता है, सेटिंग नहीं हो पाती है जब तक कपड़ों को हम तह नहीं लगाते हैं। और सबसे टफ काम मुझे यही लगता है एक्चुअली, कपड़ों को तह लगाना। तो कपड़ों को मैं यहाँ फटाफट से तह लगा के बर्तन साफ़ कर लूँगी जो नाश्ते के और टिफ़िन बनाने की वजह से हुए थे। तो ये मैंने कपड़ों को भी तय लगा लिया है यहाँ पर। सुबह का काम निपटाने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे छाछ को एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों में हम लोग छाछ ज़रूर लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है गर्मियों के लिए छाछ, यानी कि बटर मिल्क। तो अथक को भी बहुत अच्छी लगती है और मैं भी छाछ ले लेती हूँ सुबह के टाइम में, अगर मैं नाश्ता नहीं लेती हूँ तो। तो हम लोग यहाँ पर छाछ ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मेरे मॉर्निंग व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मसाला टिंडा की रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।